हेलो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है तो आज मैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि क्या एक्चुअली में कंपनी की पॉलिसी में ये चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक सीखा है, समझा है, मैं उसी को आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम हमसे ये चार्ज लिया गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि क्या आपके साथ भी इस तरह की कंडीशन हो रही है, आपसे चार्ज लिया जा रहा है कुछ भी। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आप इस वीडियो पर, आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगे और आप भी अगर इस तरह से, जैसा कि मैं वीडियो में क्लियर बताऊंगी, अगर वो आप भी उस तरह से वर्क करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको पूरा गाइड करूंगी प्रॉपर, की जिससे आपको पूरा रोल मैप दूंगी, जिससे आप परिवार में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो कंपनी की एक्चुअल में पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। जो कंपनी कहती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए आप इस फॉरवर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता बेरवा और मैं फॉरवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर टीएलएफ टीम के साथ वर्क करती हूँ। तो आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं, जो लोग मुझे बताते हैं, उनके कुछ आंसर इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। तो सबसे पहले है कि ट्रेनिंग फीस, यानी कि आपने जो भी पर्सन है, आप फर्स्ट के टाइम जब आपके सामने फॉरएवर प्रेजेंट होती है तो आपको दिखाया जाता है 1 डे की क्लासेस या 2 डे की क्लासेस। इन 2 क्लासों में आपको फॉरएवर को बताया जाता है, तो उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाता है 199, 149 या 198, 196, 199। जितना भी अमाउंट आपसे चार्ज लिया जाता है वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक्चुअली में पॉलिसी में, कंपनी की पॉलिसी जो है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने कंपनी की वाइफ फॉर एवर बुक है उसमें पूरा कंपनी ने जो एक्चुअली में बताया है कि नो ट्रेनिंग फीस, यानी कि ट्रेनिंग का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। तो अगर आपसे कोई ट्रेनिंग का चार्ज ले रहे हैं तो वो गलत है, वो आपको नहीं पे करना है किसी को। पर्सनल अकाउंट में तो दोस्तों किसी को भी 1 रुपया भी यहाँ पे प्रेजेंट या पे यहाँ पे नहीं करना है किसी को भी। तो कंपनी कहती है कि अगर आप पे करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही किसी और की। तो अगर आपसे कोई ये चार्ज मांग रहे हैं तो आपको वहाँ पे आइए, वहाँ पे पॉलिसीज को पढ़िए पूरा, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो आज दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया होगा कि ट्रेनिंग की फीस चार्ज कोई भी नहीं लगता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे 1300, 1700, 1500 या 2000 इतना अमाउंट मांग रहे कि हम आपका आईडी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप इतना अमाउंट हमें पे कीजिए। जैसा कि मुझे कॉल्स या डीएम्स आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमसे आईडी रजिस्ट्रेशन का इतना चार्ज लिया है, 1500, 1200, 2000 या 2500 इतना लेते हैं, तो क्या मैम वो लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नो ज्वाइनिंग फीस, यानी कि ज्वाइनिंग की कोई भी फीस नहीं होती है। ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे मेन है स्पॉन्सर आईडी की जरूरत पड़ती है, आप 18+ होना चाहिए, देन आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी होनी चाहिए, देन मेल आईडी और मोबाइल नंबर, इनकी जरूरत आपको पड़ती है। तो अगर आपके पास ये है, आप 18+ हो, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लास्ट लिंक है, जाके चेकआउट करें और आईडी रजिस्ट्रेशन करें और फॉरएवर को स्टार्ट करें बिना किसी चार्ज के, यानी कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना ही आईडी रजिस्ट्रेशन का, ना ही कोई ट्रेनिंग फीस का। तो आई होप दोस्तों सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में ये है कि नो नो सीट बुक। अब आपसे बोला जाता है, जैसे कि क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के कि हमें हमारी सीट बुक की गई है, यानी कि जैसे हमने आईडी बनाई तो आईडी बहुत सारे बनाते हैं, हमसे बोला जाता है कि लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, 2000, 1500, 2000, 1200, 2500, 5000, 7000, यानी कि हमारे पास लिमिटेड सीट है। आप अगर सीट होल्ड करवाते हो तो आपको
वो सीट मिल जाएगी, नहीं तो वो सीट किसी और को चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं क्लियर बताती हूँ, अगर वहाँ पे आपको ये समझना है कि फॉरएवर नॉट अ जॉब, फॉरएवर एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अनलिमिटेड ज्वाइनिंग होती है। आप एक दिन में या तो 10 करवाइए, 100 करवाइए, 200 करवाइए, 1000 करवाइए, 1,00,000 ज्वाइनिंग करवाइए। यहाँ पे आप, यहाँ पे कोई लिमिटेड सीट नहीं होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड सीट होती है। तो आपसे कोई इस तरह का भी चार्ज मांग रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है, एक भी रुपया किसी के पर्सनल अकाउंट में पे नहीं करना है। फॉरएवर में अनलिमिटेड सीट होती है। तो आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 2CC जल्दी से जल्दी करो वरना कॉम्बो पैक लिमिटेड ऑफर है, यानी कि कॉम्बो होल्ड करवा लो, 5,000 दे दो, 7,000 दे दो, 10,000 दे दो, 12,000 दे दो, 15,000 दे दो, आपका हम कॉम्बो जो है होल्ड कर देंगे, ताकि आपको ज्यादा अमाउंट पे ना करना पड़े, आपको ज्यादा पैसा ना ही लगाना पड़े और आपको आप जब चाहे कॉम्बो को ले सकते हो। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनी की एक्चुअली में जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी खुद कॉम्बो निकालती है, वो कॉम्बो लिमिटेड ऑफर के लिए नहीं होता है। आप उस कॉम्बो को कभी भी परचेस कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी यह होता है कि कंपनी कॉम्बो बंद कर देती है देना, क्योंकि लिमिटेड ऑफर में वो निकालती है, जैसे कि कोई फेस्टिवल हुआ कुछ और कुछ, यानी कि कुछ ऐसा ओकेजन उसमें कंपनी फॉरएवर में जो कि कॉम्बो ऑफर निकालती है, तो वो आपको होल्ड करवाने की जरूरत नहीं होती है, वो कंपनी करती है खुद से कि इतने टाइम के लिए इतने अमाउंट में ये कॉम्बो आ रहा है। वैसे तो हर महीने कॉम्बो निकालती है कंपनी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम को कॉम्बो नहीं निकालती। बट यहाँ पे अगर कॉम्बो होल्ड के लिए आपसे अमाउंट लिया जा रहा है तो वो भी नहीं लगता है। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि अगर आप जल्दी से जल्दी 2CC करते हो या फिर इतने की बिलिंग करते हो तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। तो दोस्तों ये फिर डिपेंड करता है बिजनेस, जो बिजनेस पार्टनर आपको अपने डाउन में, तो वहां पे क्या होता है, मेन तो ये है कि अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हो तो ट्रेनिंग जो देंगे ना, आपके जो अपलाइन है या अपलाइन के भी अपलाइन है, तो वो ट्रेनिंग देंगे, तभी तो आप बिजनेस को ग्रो करोगे। तो अगर पर्सनल मेंटरशिप के लिए कोई चार्ज लिया जा रहा है, आपको जल्दी से जल्दी 2CC करने की बोल रहे हैं और आपके पास अमाउंट नहीं, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों पर्सनल मेंटरशिप के लिए अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहे हैं, आपसे पैसा चार्ज ले जल्दी से जल्दी 2CC करने के बोल रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको फॉरएवर करना है और इनके साथ ही करना है, या फिर जैसे कि आपके मन में कुछ डाउट्स है वो बोल रहे हैं आपको इन सबसे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, इन मैम से पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, तो ट्रेनिंग सबसे मिलेगी। दोस्तों तो आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ये सब चार्ज जो लगता है वो नहीं, जो ये सब जो चार्ज ले रहे हैं वो नहीं लगता है। तो अब आते हैं कि अगर इतना चार्ज नहीं लगता है तो हम फॉरएवर बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप मिनिमम बिलिंग जो होती है 5,000 की, उससे आप फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2CC का अमाउंट है, जैसे कि 2CC 29,000 में कॉम्बो से हो रही है, अगर आप टुकड़ों में अपने अकॉर्डिंग लेते हो तो वहाँ पे 38-37 इतने थाउजेंड की होती है। तो अगर आप जैसे बिजनेस माइंडसेट से आए हो तो आप 28,000 या 29,000 का जो कॉम्बो पैक है उसी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका 10-12,000 से हो और आपका 2CC वन शॉट में क्लियर हो और आपका माइंडसेट भी क्लियर हो कि हमें फॉरएवर बिजनेस को इस तरह से कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी इस तरह का चार्ज मांग रहे हैं तो आपको कोई भी पर्सनल अकाउंट में तो किसी का पे नहीं करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल भी शेयर नहीं करनी है। ये मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कुछ लोग 2CC का पैसा पे कर देते हैं और वहां से वो लोग अपना नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो नंबर ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह का अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जैसे मैंने बताया नो कॉल नो डीएम। तो आप अगर 2CC करने के बाद लीड्स बाय कर रहे हो, लीड्स पे कॉल कर रहे हो, लीड्स, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैम आपने तो बता दिया कि हमें किसी को पैसा पे नहीं करना है, हमें किसी के साथ आईडी नहीं बनानी, यानी कि किसी कोई आईडी बनाने का भी चार्ज ले रहा है, तो वहां पे हमें वर्क नहीं करना, तो हम खुद से भी आईडी कैसे बना सकते हैं, खुद से बिलिंग कैसे कर सकते हैं 2CC कॉम्बो पैक से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो,
सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे आपने सर्च किया, यहाँ पे देखो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आया, ज्वाइन पे क्लिक करना है। देन ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्म में आपको डिटेल्स बता रहे हैं वो डिटेल्स आपको पूरी फिल करनी है, जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। आपके लिए आज पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, तो पासवर्ड 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पहला कैपिटल, दूसरा कुछ डिजिट और कुछ अंक, एक्सेल वर्क, इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आपकी दोनों जगह एक ही पासवर्ड भरना है, और देन आपकी जो होती है डेट ऑफ बर्थ वो भरना है, फिर आपका परमानेंट एड्रेस भरना है जो आपके आधार कार्ड में है। देन नीचे आपका पिन कोड नंबर डालना है, और फिर नीचे लास्ट में नीचे आएगा स्पॉन्सर आईडी फिल करने का ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे फिल करना है 9107039436। ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है, इसको आप फिल करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे आई एग्री करके सबमिट कर देना। ये आपकी आईडी बन के क्रिएट हो जाएगी। आईडी बनने के बाद में आपको जाना है, ओपन करना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप। इंस्टॉल नहीं है तो मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ पे अपने जो पासवर्ड डाला है वो भी डाल सकते हो, दूसरा उसी की तरह दूसरा पासवर्ड भी बना सकते हो। तो पहले आपको जो आईडी बन के आई है स्पॉन्सर आईडी, उसे फिल करना है। देन उसके बाद में पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको फिल करना है। फिर ओटीपी आएगा, वहाँ पे ओटीपी फिल करके दोबारा से स्पॉन्सर आईडी डाल के, और दोबारा से आपको ये पासवर्ड डाल के आपकी आईडी ओपन हो जाती है। अब जैसे ही आईडी ओपन होती है, ठीक है, आईडी ओपन हो गई, अब आपको जाना है न्यू ऑर्डर पे। नीचे देखिए, न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर करना है, स्क्रॉल करते करते आपको आना है कॉम्बो पे। कॉम्बो पे पे जैसे आया, वहां पे आपको करना है स्टार्ट योर जर्नी पे। अलग अलग तरह के कॉम्बो है, बट आपको करना है स्टार्ट योर जर्नी पे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ए टू चार्ट करना पड़ेगा। जैसे ए टू चार्ट किया, आपको आएगा वहां पे डिलीवर टू, तो डिलीवर टू आपको करना है आरडीओ। अगर आपका आरडीओ दूर, आपका आरडीओ पास में है तो आरडीओ कर सकते हैं, नहीं तो डिलीवरी टू करना है, ठीक है। डिलीवरी टू करने के बाद आपको पिन कोड नंबर डालना है वहां पे। जैसे आपने पिन कोड नंबर डाला, आपको दोबारा से कार्ड में ओपन करके आपका पूरा जो एमआरपी है, जो भी पे करना है वहां पे आपको नेक्स्ट करना है, और अपना परमानेंट जो भी जिस एड्रेस पे आप प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो वहां पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जो भी आपके फोन पे, गूगल पे, जो भी सुविधा आपके पास है उस सुविधा से, उससे आप अपना पेमेंट कीजिए, देन नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ से आपका ऑर्डर ऐसे डन हो जाएगा। तो आप खुद से इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो स्क्रीन पर नंबर है आपके लिए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं, जैसे 2cc कर लिया, 2cc के बाद अगर आप लीड्स बाय करते हो, तो लीड्स पे दिन भर कॉल कर रहे हो, पैसा लगा के लीड्स बाय कर रहे हो, लीड्स कॉल नहीं उठा रही है, दिन भर आप फोन में लगे रहते हो, माइंड में भी प्रॉब्लम्स आती है, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर हम नहीं कर पाते हैं। कॉल करते हैं, न्यू पर्सन होते हैं तो उन्हें फॉरएवर के बारे में इतना पता नहीं होता है, फिर अननोन पर्सन को आप फॉरएवर परजेंट करे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए आप अगर लीड्स बाय कर करके कॉल कर करके परेशान हो चुके हो, तो आपको एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिससे आपको लीड्स भी बाय ना करना पड़े, और आपके लीड्स खुद आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। जैसे कि अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले मेरे को देखो, यहाँ पे टाइम भी देख लो, मेरे को खुद से आईडी बनाई है किसी ने, आज 4 तारीख है और मेरी 5 ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ऐसा सिस्टम जो कि आपके लिए काम करे, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम है, टोटली ऑटोमेशन पे वर्क होता है, आपको सिर्फ एक ऐसा डिजिटल अवतार तैयार करना है जो आपके लिए 24 घंटे काम करे, आपको ज्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, और आपका काम चलता रहे। लीड्स पे आप पैसा ना लगा के एक ऐसा डिजिटल अवतार तैयार करे जिससे आपका डे बाय डे बिजनेस ग्रो हो, और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अर्निंग कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे नो कॉल और नो डीएम होता है, ओनली ऑटोमेशन सिस्टम से काम होता है, जहाँ हमको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे, जैसे कि एक घंटा तो ट्रेनिंग में देना होता है, 2 घंटे आप अगर काम यहाँ पे करते हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो, जैसा हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो, जो पर्सन हो, कोई बिजनेस पर्सनमैन हो, या फिर कोई पार्ट टाइम ऐसा वर्क ढूंढ रहे हैं, हाउस वाइफ है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट लिंक है, मास्टर क्लास वॉच करें, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स में बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्या करने को मिलेगा, कैसे कैसे काम करने को मिलेगा, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, किस सिस्टम से आप काम करोगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं।
तो दोस्तों उस मास्टर क्लास में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और भी कोई क्यूरीज रहती है तो कांटेक्ट जरूर कर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और दोस्तों 2 CC या फिर कोई भी अदर कोई चार्ज ले रहे हैं तो कोई भी पैसा किसी के पर्सनल अकाउंट में पे ना करें। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, जो मुझे क्वेश्चन आए उनके आंसर मैंने इसमें देने की कोशिश की है। मैंने किसी को गलत ठहराया नहीं है, बट ये है कि मैं कंपनी की एक्चुअली में जो पॉलिसी है उसी का आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया है। तो आज तक दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी हेल्प हुई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले। और उन दोस्तों को शेयर करना जो कि ऐसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी ना किसी की इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सकती है। तो आप शेयर जरूर करें, आपके एक शेयर करने से शायद किसी की कोई प्रॉब्लम में फंसने से बचे। जैसे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई गलत भी उन दोस्तों के साथ हो सकता है। और पैसा बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं वो ऐसे इंसान को दे देते हैं जो लेते ही आईडी नंबर ब्लॉक कर देते हैं या कुछ भी वो मिसिंग हो जाते हैं। तो उनकी जरूर हेल्प कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें सही लगे, आपकी क्या हेल्प हुई इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।